हेलो एवरीवन। चलो बच्चे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को आगे बढ़ाते हैं बेटा। बेटा अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर। बेटा अगर आप थोड़ा सा नीचे पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। तो बच्चे दो बैंकर की बात हुई है, पेइंग बैंकर और कलेक्टिंग बैंकर। बेटा डिफरेंस क्या होता है, आप मेरी बात थोड़ी सी बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना समझोगे। जरा देखो बेटा, ए है और बी है, ठीक है। देखो बेटे बच्चे, ए ने ना ए का अकाउंट बेटा एसबीआई में है, ये आपका एसबीआई है। ए का अकाउंट बच्चे एसबीआई में है, ए ने बी को चेक दिया, ऑब्वियस ही बात है किसका चेक होगा बेटा, एसबीआई का। तो ड्रॉन ऑन एसबीआई, ड्रॉन ऑन एसबीआई, ठीक है। और बेटा बी का अकाउंट है पीएनबी में, बी का अकाउंट है पीएनबी में, बी का अकाउंट पीएनबी में। तो बेटे बी क्या करेगा इस चेक को, ऑब्वियस सी बात है ना, अपने अकाउंट में जमा कराएगा बेटा, जहां पर उस बैंक में जमा कराएगा जहां पर उसका अकाउंट होगा। तो बी इस चेक को जमा करवाएगा पीएनबी में। अब बेटा होगा क्या, फंड्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी। ए के अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर होंगे बी के अकाउंट में, यानी एसबीआई से फंड्स ट्रांसफर होंगे पीएनबी में, ठीक है बेटे। तो बच्चे एसबीआई कौन सा बैंकर कहलाएगा, पेइंग बैंकर है ना, ये पे तो कर रहा है, ये पेइंग बैंकर है। और पीएनबी कहलाएगा आपका कलेक्टिंग बैंकर, जिसको पैसा रिसीव हो रहा है। तो पीएनबी आपका कलेक्टिंग बैंकर, ठीक है। तो एसबीआई कहलाएगा आपका पेइंग बैंकर और पीएनबी कहलाएगा आपका कलेक्टिंग बैंकर। बात समझ आई बच्चे? अच्छा अब वो क्या कह रहा है बेटा, यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। देखो प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर मतलब बच्चे पेइंग बैंकर यानी हमारे वाले केस में एसबीआई, एसबीआई को क्या क्या प्रोटेक्शंस दी गई हैं बेटा, ध्यान से देखना। चेक पेबल टू ऑर्डर, याद रखना बेटा, ए ने बी को जो चेक दिया था ना वो बेटा पेबल टू ऑर्डर था, मतलब वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। और आपको पता है बेटा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एनकैश कौन कर सकता है, जिसके नाम पे वो चेक है। तो बेटा सुनो सुनो, पेइंग बैंकर को बेटा प्रोटेक्शन तभी दी जाएगी वेन पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स। और बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको आपसे डिस्कस किया था कब पेमेंट को इन ड्यू कोर्स माना जाता है, सेक्शन 10। शर्तें थी ना बेटा, पहली शर्त थी पेमेंट मस्ट बी मेड एज पर एपरेंट टेनर, और भी बेटा आपकी चार शर्तें थी, पेमेंट मनी टर्म्स में होनी चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। तो याद रखना बेटा, पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन तब दिया जाएगा व्हेन पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स, और पेमेंट ड्यू कोर्स में कब होगी, जब वो पांच शर्तें क्या होंगी बच्चे, सेटिस्फाई होंगी, तब पेइंग बैंकर की गलती नहीं मानी जाएगी। द प्रोटेक्शन शैल बी अवेलेबल नॉट विथस्टैंडिंग दैट एनी एंडोर्समेंट सब्सिक्वेंटली टर्न्स आउट टू बी अ फॉर्जरी। बेटा मैंने आपको क्या कहा, अगर ए ने बी को जो चेक दिया है वो पेबल टू ऑर्डर है, मतलब एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन तभी दी जाएगी जब पेमेंट किस में हुई है, ड्यू कोर्स में हुई है। पांच शर्तें क्या हुई होंगी बेटा, सेटिस्फाई है ना, पांच थी ना, पेमेंट शुड बी मेड एज पर एपरेंट टेनर, पेमेंट शुड बी मेड इन गुड फेथ, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, मनी टर्म्स में पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने एक बात यहां पर कही, प्रोटेक्शन शैल बी अवेलेबल नॉट विथस्टैंडिंग दैट एनी एंडोर्समेंट सब्सिक्वेंटली टर्न्स आउट टू बी अ फॉर्जरी। बेटा अब सुनो, अब हुआ क्या, देखो अब बेटा इसी केस में अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या है, ये जो चेक था ना बी के पास, किसी ने क्या करा बेटा, बी का ये चेक कर लिया चोरी,
बी का ये चेक कर लिया चोरी, लेकिन बेटा बी का चेक चोरी करके ना उसे कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि पेबल टू ऑर्डर है और उस केस में पैसा सिर्फ कौन इन कैश कर सकता है? बी ही इन कैश कर सकता है। तो उसने क्या करा बेटा, उसने ये चेक अपने नाम पे एंडोर्स करवा लिया बेटा। एंडोर्समेंट तो कर हो सकता है ना, हाँ, सी बिना बी के एनकैश नहीं कर सकता है, मतलब ये चेक सिर्फ कौन एनकैश कर सकता है? बी ही कर सकता है, लेकिन बी चाहे तो सी के नाम पे ये एंडोर्स तो कर सकता है। तो बेटा सी ने क्या करा, बी का ये चेक चोरी करा और चेक के पीछे ना बेटा बी का सिग्नेचर मार दिया, ठीक है, और लिख दिया पे टू सी ओनली। मतलब बताओ बेटा, बी ने ये चेक एंडोर्स नहीं करा था सी को, सी ने फॉर्जरी करी बेटा, फ्रॉड कमिट किया, उसने धोखे से सी का नकली दस्तखत कर दिया और अपने नाम पे क्या करवा लिया, एंडोर्स। अब क्या हुआ, एसबीआई ने ये पेमेंट किसको कर दी बेटा, सी को कर दी। एसबीआई ने ये पेमेंट किसको कर दी, सी को कर दी। करनी किसको चाहिए थी, बी को। अब जब बी को पता चला कि एसबीआई ने पेमेंट मेरी जगह, या मैं फॉर दैट मैटर मैं कहूं ए को पता चला कि एसबीआई ने पेमेंट बी की जगह सी को कर दी, तो वो तो बेटा खर्चा पानी लेके चढ़ गया एसबीआई के ऊपर कि भाई तुमने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, तुमने बी को पेमेंट करनी थी, तुमने सी को कैसे कर दी। तो बेटा एसबीआई ना ये बोल के बच सकती है कि जो एंडोर्समेंट करी गई थी वो एक फॉर्जरी थी, ठीक है, और फॉर्जरी के केस में हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, प्रोवाइडेड पेमेंट मस्ट बी मेड इन ड्यू कोर्स। मतलब वो पांच शर्तें बेटे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, तो एसबीआई की बेटा कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। फिर अगर बेटा चेक पेबल टू बेयरर है, तो बेयरर के केस में तो बेटा कोई भी पर्सन जो होल्डर है वो इन कैश कर सकता है। पहली बात, पेमेंट मस्ट बी मेड इन ड्यू कोर्स, तभी पेइंग बैंकर बेटा प्रोटेक्शन दी जाएगी पेइंग बैंकर को। पेमेंट मस्ट बी मेड टू द बेयरर ऑफ द चेक, तो पहली बात तो पेमेंट ड्यू कोर्स में होनी चाहिए। किसको पेमेंट होनी चाहिए, बेयरर ऑफ द चेक को। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो एंडोर्समेंट करी गई है चेक पे वो फॉर्जरी, दैट एनी एंडोर्समेंट अपीयर्स ऑन द चेक। तो बेटा याद रखना, अगर चेक पेबल टू बेयरर है, बेयरर चेक है, तो बेटा पेमेंट किस में होनी चाहिए, ड्यू कोर्स में। किसको होनी चाहिए, आपके बेयरर ऑफ द चेक को। द प्रोटेक्शन शैल बी अवेलेबल नॉट विदस्टैंडिंग दैट एनी एंडोर्समेंट अपीयर्स ऑन द चेक और नॉट। चेक पे कोई एंडोर्समेंट है या नहीं, बेयरर ऑफ द चेक को बेटा पेमेंट कर दी जाएगी, इट मस्ट बी इन ड्यू कोर्स। अच्छा, चेक क्रॉस्ड जनरली, बेटा उस दिन हमने पिछली क्लास में जनरल क्रॉसिंग करी थी ना बेटा। जनरल क्रॉसिंग में क्या था, जनरल क्रॉसिंग में जो पैसा आपको मिलेगा चेक का, वो आपको कैश में नहीं मिलेगा बेटा, वो आपको कैश में ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा, आपके सीधे खाते में आएगा, ठीक है। बेटा याद रखना, प्रोटेक्शन बैंकर को तभी मिलेगी, ठीक है, पेइंग बैंकर को, जब पेमेंट किस में हो बेटा, पहली बात तो ड्यू कोर्स में होनी चाहिए, पांच शर्तें हैं, और पेमेंट इज मेड टू एनी बैंकर। याद करो बेटा, जनरल क्रॉसिंग में कलेक्टिंग बैंकर का नाम मेंशन नहीं होता है बेटा, स्पेशल क्रॉसिंग में कलेक्टिंग बैंकर का नाम मेंशन होता है। तो याद रखना, चेक अगर क्रॉस्ड है जनरली, तो पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलेगी बेटा, पेइंग बैंकर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा अगर उसने पेमेंट ड्यू कोर्स में करी है। और पेमेंट किसको करी है, किसी भी बैंकर को, किसी भी बैंकर को जिसका 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 बेटा जिस बैंक में पेई का खाता है, ठीक है, अब चाहे उसका HDFC में हो, चाहे ICICI में हो, एक्सिस में हो, जिस मर्जी में पेई का खाता है ना बेटा, उस बैंकर को अगर पेमेंट करी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, अगर चेक क्रॉस स्पेशली है, तो स्पेशली के केस में तो बेटा बैंक का नाम मेंशन किया जाता है ना, पेई के बैंक का नाम मेंशन किया जाएगा बेटा दो पैरेलल लाइंस के बीच में। उस केस में पेइंग बैंकर को लायबल तब नहीं ठहराया जाएगा अगर पेमेंट किस में हुई है बेटा, ड्यू कोर्स में, और पेमेंट इज मेड टू द बैंकर टू होम द चेक इज क्रॉस। मतलब पेमेंट उसी बैंकर को होनी चाहिए जिसका नाम उस बेटा दो पैरेलल लाइंस के बीच में मेंशनड है, तब पेइंग बैंकर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। नो प्रोटेक्शन इन केस ऑफ फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स ऑफ ड्रॉअर।
बेटा आप एक बात सुनो सुनो, ये मैडम मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था जब हमने गुड फेथ नेग्लिजेंस वाला केस किया था, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बेटा मुझे एक बात बताओ, सुनो, बी ने क्या करा? बी ने ए की चेकबुक से, बी ने ए की चेकबुक से चेक फाड़ लिया बेटा, ठीक है। उस पे बच्चे जाली दस्तखत कर दिए ए के, ठीक है, और उस चेक के ऊपर लिख दिया टू मिस्टर बी, ठीक है, ऑर्डर पक्का। अब बेटा हुआ क्या, बी ने ये चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया, आपको पता है बेटा वहां से चेक जाता है क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस से बताओ करावाया ना बेटा हमने, बी चेक जमा कराएगा बेटा पीएनबी में, है ना, वहां से चेक कहां जाएगा, क्लियरिंग हाउस, चेक जाएगा क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस से जाएगा एसबीआई के पास, है ना, स्कैंड कॉपीज जाती है, मैंने डिजिटली बताया था आपको, डिजिटल कॉपीज आती है, तो क्लियरिंग हाउस से गया एसबीआई के पास। बेटा अब एसबीआई का फर्ज क्या बनता है कि बेटा उस चेक पे जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को चेक करे वाकई में वो सिग्नेचर ए का है या नहीं। तो बेटा एसबीआई क्या करेगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो सिग्नेचर ए का फीडेड है उस सिग्नेचर को टैली करेगा उस सिग्नेचर के साथ जो चेक पे है। अगर तो बेटा टैली हो जाते हैं तो वो पेमेंट रिलीज कर देगा, लेकिन अगर टैली नहीं होते तो वो पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। तो यहां पर बेटा क्या कहा गया है, अगर बी ने ए का सिग्नेचर फॉर्ज किया ना बेटा, फॉर्ज किया, उस केस में हम एसबीआई को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस केस में एसबीआई का ये फर्ज बनता है, ये फर्ज बनता है कि वो बी के द्वारा करे गए सिग्नेचर को, जो चेक पे करा गया सिग्नेचर है उसको बेटा कंप्यूटर सिस्टम में जो सिग्नेचर है उसके साथ करे टैली, पक्का। तो फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स के केस में अगर पेई ने ड्रॉअर के सिग्नेचर को फॉर्ज किया है तो उस केस में पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, पेइंग बैंकर को लायबल माना जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। तो यही बात बेटा है, देखो, Neither section 85 nor any other section gives any protection to the paying banker in case the signatures of the drawer are forged. तो अगर B ने यानी payee ने A के signatures, drawer के signatures forge करे हैं बेटा, paying banker को कोई नहीं बचा सकता, paying banker को liable माना जाएगा। 10. Paying banker shall be liable if it makes the payment of the check on which drawer's signature are forged. Accordingly, the paying banker should carefully verify the genuineness of the drawer's signature. तो बेटा ये paying banker का फर्ज बनता है कि वो payment release करने से पहले check पे जो signature है और उनके computer system में drawer का जो signature है आपस में cross verify करे, check करे कि check पे जो signature किया गया है वो genuine है, real है, वाकई में A ने करा है या नहीं। नहीं तो बेटा नेग्लिजेंस के लिए एसबीआई को लायबल, पेइंग बैंकर को लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर, पेइंग बैंकर लायबल कब होगा, द पेइंग बैंकर शैल बी लायबल टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक और एनी लॉस सस्टेन बाय हिम इन द फॉलोइंग टू केसेस। वेयर पेइंग बैंकर पेज द चेक क्रॉस जनरली अदरवाइज देन टू अ बैंकर। अच्छा एक बार बताओ बेटा, जनरल क्रॉसिंग थी तो बेटा कायदे में पैसा एसबीआई को किसको देना चाहिए था बेटा, पीएनबी को देना चाहिए था भाई, कायदे में पैसा पीएनबी में जो बी का खाता है वहां पर जाना चाहिए था ना। तो कायदे में जब जनरल क्रॉसिंग है बेटा तो एसबीआई को पैसा कहां पर ट्रांसफर करना चाहिए था बेटा, पीएनबी को, ठीक है। लेकिन बेटा एसबीआई ने क्या करा, पीएनबी को पैसा ट्रांसफर करने के बजाय बी को कैश दे दिया ओवर द काउंटर। बात समझ आई, क्या बेटा वो कैश दे सकता था, नहीं दे सकता था, उसे क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा केस है, वेयर पेइंग बैंकर पेज द चेक क्रॉस्ड स्पेशली अदरवाइज देन टू द स्पेसिफाइड बैंकर। अब सुनो, एसबीआई बेटा जो स्पेशल क्रॉसिंग थी ना, बीच में लिखा हुआ था पीएनबी, इसका मतलब बेटा एसबीआई को पैसा
कहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, पीएनबी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन बेटा बी का अकाउंट ना पीएनबी की जगह एचडीएफसी में भी है। बी ने एसबीआई को कहा कि यार तुम एक काम करो, मेरे पीएनबी वाले खाते में पैसा ट्रांसफ़र ना करके मेरे एचडीएफसी वाले पैसे में, एचडीएफसी वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो। तो बेटा आपको अच्छी तरह पता है, हमने सेक्शन 10 किया है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, वो साफ साफ कहता है बेटा पेमेंट शुड बी मेड एज पर एपरेंट टेनर। क्या मतलब था इसका? मतलब अगर ड्रॉअर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो आपको बेटा बैंक को, ड्रॉई को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ स्पेशल क्रॉसिंग के केस में ड्रॉअर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि पैसा बी के खाते में जाएगा पीएनबी वाले, आपने पैसा पीएनबी की जगह कहां पर ट्रांसफर कर दिया, एचडीएफसी में, क्या बेटा आपको लायबल माना जाएगा पेइंग बैंकर को? बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, तो अगर तो जनरल क्रॉसिंग है तो आपने पैसा बैंक को दिया ही नहीं, आपने बी को कैश दे दिया ओवर द काउंटर, आपको लायबल माना जाएगा। अगर स्पेशल क्रॉसिंग है तो आपने पैसा उस बैंक को नहीं दिया जिसका नाम, चेक पे मेंशन्ड था। ठीक है, अच्छा अब बात करें प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर, यानी आप पीएनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बात करेंगे। क्या कह रहा है वो? नॉन लायबिलिटी ऑफ बैंकर रिसीविंग पेमेंट ऑफ चेक। अ बैंकर हु हैज इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस रिसीव्ड पेमेंट फॉर अ कस्टमर ऑफ अ चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली टू हिमसेल्फ शैल नॉट इन केस द टाइटल ऑफ द चेक प्रूव्स डिफेक्टिव इनकर एनी लायबिलिटी टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक By reason of only having received such payment। पता है बेटा उन्होंने ना collecting banker की बेटा कोई जिम्मेदारी नहीं मानी है, उन्होंने कहा collecting banker responsible नहीं है। भाई देखो सारी जिम्मेदारी किसकी है? paying banker की जिम्मेदारी है। collecting banker जिसको पैसा मिल रहा है उसकी कोई liability नहीं बनती, even though बेटा title of the check is defective। बेटा B के पास अगर defective title है ना check का तो भी बेटा पीएनबी लायबल नहीं होगा। उन्होंने एक बात बेटा बहुत साफ करी है, कलेक्टिंग बैंकर जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है उसकी बेटा कोई लायबिलिटी नहीं होगी, जो भी लायबिलिटी बनती है वो पेइंग बैंकर की बनती है। तो इवन दो बी का टाइटल डिफेक्टिव ही क्यों ना हो, कलेक्टिंग बैंकर बेटा जिम्मेदार नहीं है। हाँ पेइंग बैंकर को तो आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो लेकिन कलेक्टिंग बैंकर जिम्मेदार नहीं होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब बेटा अगला टॉपिक आता है, सिंपल सा टॉपिक है, कुछ बातें बेटा इसमें हैं बस थोड़ी समझने वाली। रिफ्यूजल बाय अ बैंकर टू ऑनर अ कस्टमर्स चेक, मतलब बेटा पता है क्या, ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जब बैंक आपके चेक को एनकैश करने से मना कर सकता है। बात समझ आई सबको? ऐसी कौन कौन सी बेटा सिचुएशंस हैं जब बैंक आपके चेक को ऑनर करने से मना कर सकता है, यानी सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो डिसऑनर कर सकता है। तो या तो आप कह लो चेक को ऑनर करने से मना कर सकता है या आप ये कह लो चेक को डिसऑनर कर सकता है। क्या क्या सिचुएशंस है बेटा? स्टॉप पेमेंट। अब एक बात सुनो बेटा, बच्चे हुआ क्या, मैंने एक चेक दिया बी को, एडवांस का चेक था, मैंने उससे कुछ सामान खरीदना था, मैंने उसको क्या करा था बेटा, एडवांस का चेक दिया था 1,00,000 रुपए का। ठीक है, उसने गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं करे थे तो ये एक एडवांस था। अब हुआ क्या बेटा, चेक तो मैंने उसको दे दिया, अगले दिन बेटा, और वो अकाउंट पे ही चेक था, एग्जाम्पल के तौर पर अकाउंट पे ही चेक था बेटा। अब मुझे दो दिन बाद बेटा पता चला, अगले दिन पता चला कि यार ये जो बी है ना ये रिलायबल पर्सन नहीं है, इसने बहुत लोगों से ऐसे एडवांस के चेक लिए हैं और उनको गुड्स या तो भेजे ही नहीं हैं या डिफेक्टिव गुड्स भेजे हैं। तो मैंने कहा यार अब चेक तो दे दिया है अब क्या करूं? तो बेटा मैंने बैंक को कॉल किया और मैंने कहा मेरा ये चेक नंबर है, इसकी कर दी जाए स्टॉप पेमेंट मतलब मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इस चेक की पेमेंट बी को ना करी जाए, दिस इज नोन एज स्टॉप पेमेंट।
तो बेटा जब बी चेक जमा करवाएगा ना, जमा करवाएगा, तो बैंक उसका चेक ऑनर करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। पक्का बताओ, क्लियर? मैंने आपको वैसे भी कहा था बैंक को मेरी इंस्ट्रक्शंस माननी पड़ेंगी। मैंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं? बी को पेमेंट इस चेक नंबर के अगेंस्ट ना करी जाए। तो याद रखना, बी को उस चेक नंबर के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करी जाएगी, बैंक उसको पेमेंट करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। बैंकर रिफ्यूजेस टू ऑनर अ कस्टमर्स चेक, ठीक है। अच्छा, डेथ ऑफ अ कस्टमर, अगर बेटा कस्टमर की क्या हो जाए, डेथ, इनसैनिटी मतलब कस्टमर अनसाउंड माइंड का हो जाए। डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द होल्डर, अब सुनो बेटा, जो होल्डर है यानी जो पेई है उसका टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है, और बैंक को पता है, बैंक को पता है कि जो होल्डर है उसका टाइटल क्या है, डिफेक्टिव। तो इस केस में बैंक क्या कर सकता है बेटा, कस्टमर का चेक ऑनर करने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। उसे पता है होल्डर का चेक क्या है, डिफेक्टिव है। अच्छा बेटा, अगला है इररेगुलर इंडोर्समेंट। बेटा इररेगुलर इंडोर्समेंट जैसे मतलब इनकम्प्लीट इंडोर्समेंट, जैसे बेटा ऐसा होता है ना, इंडोर्समेंट कैसे होती है बच्चे, आप चेक के बैक साइड पे लिख देते हो पे टू सी फॉर एग्जांपल, और नीचे अपना क्या कर देते हो बेटा, सिग्नेचर कर देते हो, है ना। अब बेटा सुनो, हो सकता है बेटा आपने जो ये सिग्नेचर किया है वो सिग्नेचर बेटा टैली ही ना करे, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में जो सिग्नेचर है उससे ये सिग्नेचर टैली ना करे, और अगर सिग्नेचर टैली नहीं करा तो बेटा समझ लेना इट इज अ केस ऑफ इररेगुलर इंडोर्समेंट, इनकम्प्लीट इंडोर्समेंट कह सकते हो आप। फिर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट। अब सुनो बेटा, मैंने एक कस्टमर को चेक दे रखा था बेटा, लेकिन हुआ क्या, उसने कुछ दिन तक 10-15 दिन तक उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं करा। बेटा बीच में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करवा रहा हूँ, मतलब चेक इशू करने के बाद लेकिन प्रेजेंट होने से पहले मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने बैंक अकाउंट को क्या करवा रहा हूँ, क्लोज करवा रहा हूँ, बंद करवा रहा हूँ। तो ऐसे केस में बेटा फिर से बैंक कस्टमर का चेक ऑनर करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। पोस्ट डेटेड चेक, ये तो बेटा आप सबको पता है, पोस्ट डेटेड चेक मतलब बेटा सुनो, बेटा मैंने ए ने बी को चेक दिया बेटा, ठीक है, कौन सी डेट को दिया, 1 जनवरी को, और आपको पता ना बेटा चेक के ऊपर एक डेट आती है, बेटा चेक के ऊपर डेट लिखी थी 10 जनवरी, इसका मतलब क्या हुआ, चेक दिया गया है 1 जनवरी को लेकिन डेट पड़ी है ऊपर 10 जनवरी, इसका मतलब बेटा बी इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट, इस चेक को इन कैश 10 तारीख से पहले नहीं करवा सकता। दिस इज नोन एज पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड मतलब दिया गया है 1 को लेकिन एनकैश होगा एट अ लेटर डेट, दैट इज 10 जनवरी और आफ्टरवर्ड्स। तो याद रखना, बी इस चेक को 10 जनवरी से पहले एनकैश नहीं करा सकता, लेकिन बेटा बी ने डेट पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने इस चेक को पीएनबी अपने अकाउंट में जमा कर दिया। तो बेटा याद रखना, बैंक इस चेक को ऑनर करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डेट पड़ी है 10 जनवरी और आपने चेक जमा कब करवा दिया, 1 जनवरी को, वो चेक एनकैश होगा ही नहीं बेटे, ठीक है। अच्छा, अनडेटेड चेक, बेटा चेक पे डेट ही नहीं पड़ी है, अगर चेक पे डेट नहीं है वो एनकैश नहीं होगा बेटा। सेकंड आता है गार्निशी ऑर्डर। ये बेटा गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। गार्निशी ऑर्डर, बेटा अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, ये ए है और ये बी है। बेटा ए ने ना बी से कुछ परचेजेस करी थी, ए ने बी से कुछ परचेजेस करी थी बच्चे 1,00,000 रुपए की। मैंने क्या कहा बेटा, ए ने बी से क्या करी थी, कुछ परचेजेस करी थी वर्थ रुपीस 1,00,000, ठीक है। बेटा इसका मतलब ए ने बी को पैसा देना था, कितना देना था बेटा, 1,00,000 रुपए, लेकिन आफ्टर रिपीटेड रिमाइंडर्स ए ने बेटा बी को पैसा नहीं दिया।
अब बी ने क्या करा बेटा, बी ने मदद ली कोर्ट की, बी ने मदद ली कोर्ट की, और बेटा कोर्ट ने ना, कोर्ट ने सुनना ध्यान से, कोर्ट ने बेटा बैंक को, जहां पर ए का अकाउंट था, ए का अकाउंट था बेटा इस बैंक में एसबीआई में, कोर्ट ने क्या करा, एसबीआई को इशू करा गार्निशी ऑर्डर। क्या इशू करा बेटा, गार्निशी ऑर्डर। बेटा गार्निशी ऑर्डर में पता क्या होता है बेटा, गार्निशी ऑर्डर में कोर्ट पता है क्या डायरेक्शन देता है, कोर्ट डायरेक्शन देता है कि कोर्ट बैंक को कहेगा कि आपके बैंक में जो ए का खाता है ना, उसे फ्रीज कर दिया जाए। मतलब कोर्ट बैंक को यह डायरेक्शन देगा कि आप ए के अकाउंट को क्या कर दो, आप फ्रीज कर दो। फ्रीज मतलब बंद कर दो, बस उससे कोई पेमेंट्स नहीं होंगी, फ्रीज अकाउंट ऑफ ए। इनफैक्ट उसके अकाउंट में जो पैसा है उससे किसकी पेमेंट होगी, बी की पेमेंट होगी, तो उस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर पेमेंट टू बी। याद रखना बेटा, ए का अकाउंट क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। फ्रीज मतलब उस अकाउंट से अब कोई और पेमेंट नहीं होगी, एक्सेप्ट बस उससे पेमेंट किसको होगी, बी को होगी पेमेंट। पॉइंट बताओ, समझ आया बेटा। इस ऑर्डर को बेटा हम क्या कहते हैं, गार्निशी ऑर्डर। अब सोचो ए ने बेटा एक चेक दे रखा था सी को, ए ने एक चेक दे रखा था सी को, सी ने वो चेक जमा करवाया, लेकिन बेटा सी के इस चेक को ऑनर नहीं करा जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा कोर्ट ने ए के बैंक के ऊपर क्या पास कर दिया है, गार्निशी ऑर्डर। मतलब कोर्ट ने बैंक को डायरेक्शन दे दी है, इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ए के अकाउंट को क्या कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, उससे अब पेमेंट्स नहीं होंगी। तो बैंक सी के चेक को ऑनर करने से बेटा मना कर देगा। समझ आया सबको? ये आपका बेटा गार्निशी ऑर्डर होता है, लिखना चाहो लिख लेना। ये तो क्योंकि कोर्ट ने बैंक को यह डायरेक्शन दे दिया है कि आप ए के खाते से कोई और पेमेंट्स नहीं करोगे, उसके खाते को फ्रीज कर दिया जाए, उसके खाते से सिर्फ पेमेंट्स किसको होंगी, बी को, तो सी जिसको चेक ए ने दिया था, वो अगर अपना चेक एनकैश करवाना भी चाहे वो नहीं करवा पाएगा, बैंक उसके चेक को ऑनर करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर क्या हो जाए बेटा, इंसॉल्वेंट हो जाए। असाइनमेंट ऑफ फंड्स बाय कस्टमर, बेटा असाइनमेंट ऑफ फंड्स बाय कस्टमर का क्या मतलब हुआ कि ए के अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसने वो पैसा किसी और के नाम पे क्या कर दिया। असाइनमेंट का क्या मतलब था बेटा, ट्रांसफर ना, तो असाइनमेंट ऑफ फंड्स मतलब ए के बैंक में 1,00,000 रुपए पड़ा हुआ है, उसने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आई एम असाइनिंग माई रुपीज 1,00,000 टू मिस्टर बी। तो इसका मतलब ए ने अपना बैंक बैलेंस किसको ट्रांसफर कर दिया, बी को ट्रांसफर कर दिया। बेटा ए के दिमाग से निकल गया बिल्कुल कि ए ने ना सी को एक चेक दे रखा था 10,000 रुपए का, अब सी ने वो चेक बैंक में जमा करवाया, क्या बेटा बैंक उस चेक को ऑनर करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए ने खुद बैंक को यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरा बैंक बैलेंस किसको असाइन कर दिया जाए, किसको ट्रांसफर कर दिया जाए, बी को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो दैट बैंक बैलेंस नो लॉन्गर बिलोंग्स टू मिस्टर ए, इट बिलोंग्स टू मिस्टर बी। तो बेटा सी के चेक को ऑनर कैसे करेगा बैंक, बात समझ आई? अच्छा, लॉस ऑफ चेक, बेटा अगर चेक ही खो जाए, डिफरेंट सिग्नेचर्स, याद रखना अगर आपका सिग्नेचर टैली नहीं होता है तो भी बैंक आपके चेक को ऑनर करने से मना कर देगा। स्टेल चेक बेटा, आउटडेटेड, पोस्ट डेटेड मतलब बेटा चेक दिया गया है आज लेकिन एनकैश होगा एट अ लेटर डेट, स्टेल चेक। बेटा एक बात याद रखना, बेटा एक बात याद रखना, ये स्टेल चेक क्या होता है बेटा, ये एमसीक्यू में ना ये आ सकता है, ये स्टेल चेक क्या होता है बेटा। सपोज कोई चेक इश्यू किया गया है
फर्स्ट जैन 19 को दिया गया है, तो बेटा उस चेक की ना वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ्स की होती है बेटा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी 3 मंथ्स तक वो चेक क्या रहता है बच्चे, वैलिड रहता है। तो फर्स्ट जैन 19 से अगर मैं 3 मंथ्स काउंट करूं तो बेटा ये आते हैं आपके 31 मार्च 19 तक। इसका मतलब ये चेक 31 मार्च 19 तक बेटा वैलिड है। 1 अप्रैल को ये बेटा कहलाएगा आउटडेटेड चेक। आउटडेटेड मतलब जिसकी डेट निकल चुकी है, आउटडेटेड चेक, या आप कह लो स्टेल चेक। बेटा अब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस चेक का। तो याद रखना, मैंने 1 लाख रुपए का चेक बी को दिया था 1 जैन 19 को, तो बी इस चेक को एनकैश विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स करवा सकता है। तो अगर उसने 3 मंथ्स के अंदर अंदर इस चेक को एनकैश करवा लिया, वेल एंड गुड, नहीं तो ये चेक बेटा अपनी वैलिडिटी, इस चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ये आउटडेटेड चेक बन जाएगा, स्टेल चेक बन जाएगा, बैंक चाह के भी बेटा ये चेक को ऑनर नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर मटेरियली ऑल्टर्ड चेक, म्यूटिलेटेड चेक, चेक ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी, इनकम्प्लीट चेक। बेटा मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मटेरियली ऑल्टर्ड चेक। बेटा एक बात याद रखना, अगर आपके चेक में ना कोई ऑल्ट्रेशंस करी गई हैं, काटा पीटी बेटा कुछ करी गई है, तो ऐसे चेक्स को बेटा एनकैश नहीं करा जाता है। ठीक है, या म्यूटिलेटेड, फटा फुटा चेक है, वॉर्न आउट चेक है, ठीक है, इनकम्प्लीट, बेटा अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आपने कोई फिलअप ही नहीं कर रखी है, इनकम्प्लीट चेक है, चेक ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी, इन चेक्स को भी बेटा बैंक ऑनर नहीं करेगा। बेटा अब ये नोटिस करना एक बात, इसमें तो लिखा हुआ था बैंक मस्ट रिफ्यूज, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बैंक मे रिफ्यूज, करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, इनसफिशियंट फंड्स, बेटा कायदे में ना इनसफिशियंट फंड्स हैं, अगर मैंने बी को 1 लाख रुपए का चेक दिया था लेकिन मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए हैं बेटा सिर्फ, तो कायदे में बेटा ये मे में नहीं आना चाहिए था बेटा, ये मस्ट में आना चाहिए। मेरे को एक बार बताओ, अगर मैंने किसी कस्टमर को 1 लाख का चेक दिया है जबकि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए है, तो मुझे एक बार बताओ बैंक को डिसऑनर करना चाहिए चेक, या बैंक करना चाहे तो कर सकता है? नहीं बेटा, बैंक मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर, मे रिफ्यूज नहीं, मस्ट रिफ्यूज। बाकी बेटा फंड्स नॉट एप्लीकेबल, प्रेजेंटमेंट एट अ डिफरेंट ब्रांच। बेटा यहां पर कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बी को चेक दिया था, सपोज बेटा अपने बैंक का दिया था SBI का, उसका अकाउंट था PNB, उसका अकाउंट था PNB सारनपुर चौक में, ठीक है, लेकिन वो रहता था जाखन में, तो उसने PNB सारनपुर चौक में अपना चेक डिपॉजिट करने के बजाय उसने PNB जाखन में डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा ऐसे केस में ना कई बार बैंक पता है आपको क्या कहता है कि यार बेटर है आप अपनी ब्रांच में जाके जमा करवाओ। भाई हम अपनी ब्रांच का काम भी देखें, हम दूसरी ब्रांचेस का भी काम देखें, तो भैया काम ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना भाई, हम अपनी ब्रांच का भी काम देख रहे हैं और जो दूसरी ब्रांच है उसका भी काम हम ही करें। तो ऐसे केस में बैंक चाहे तो आपको रिफ्यूज कर सकता है कि हम आपके चेक को ऑनर नहीं करेंगे, या प्रेजेंटमेंट आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बेटा जनरली ना बैंकिंग आवर्स वैसे तो 10 से 6 हैं, लेकिन बेटा चेक डिपॉजिट 6 बजे तक जनरली नहीं होता है, 4 बजे तक, 3 या 4 बजे तक बेटा बैंक चेक्स डिपॉजिट होते हैं। तो अगर आप चेक 4 बजे के बाद जमा करवाने जाते हो तो बैंक मना कर सकता है आपको चेक ऑनर करने से। ठीक है बेटा, अच्छा अगला क्या है, एक छोटा सा पॉइंट करते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम, मेरी बात सुनना बेटा, सिंपल है, द ड्रॉअर हैज सफिशियंट बैलेंस व्हेन ही इश्यूज द चेक एंड व्हेन द चेक ऑट टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, द होल्डर फेल्स टू प्रेजेंट द चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इश्यू ऑफ चेक, मीनवाइल आफ्टर इश्यू ऑफ चेक बट बिफोर प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक बैंक फेल्स
एंड कॉन्सिक्वेंटली ड्रॉअर सफर्स एक्चुअल डैमेजेस। मैं आपको बेटा समझाता हूं, देखो एग्जांपल से समझते हैं बेटा। इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। देखो बेटा, बेटा ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। बच्चे ए ने ना बी को एक चेक दिया, 1 जनवरी 2019 को चेक दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है बेटा। ए के अकाउंट में ना, ए के अकाउंट में 1 जनवरी 2019 को उसका अकाउंट एसबीआई में है, उसके अकाउंट का बैलेंस था बेटा 5 लाख रुपए, तो काफी बैलेंस था उसके अकाउंट में। तो उसने बी को कितने रुपए का चेक दे दिया बेटा, 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, अकाउंट पे ही चेक था, अकाउंट पे ही चेक था। अच्छा अब बेटा हुआ क्या, बी ने ना चेक को बेटा डिपॉजिट नहीं करवाया। 1 जनवरी निकल गई, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 10 जनवरी, जैन पूरा निकल गया। बी ने वो चेक, उसका अकाउंट था पीएनबी में, उसने वो चेक जमा करवाया फेब में जाके बेटा, डिपॉजिट करवाया 15 फेब को। उसने ये चेक बैंक के पास जमा करवाया कौन सी डेट को बेटा, 15 फेब को। अब बेटा हुआ क्या, सुनो हुआ क्या बेटा, जो एसबीआई था ना, एसबीआई जो था, ये हो गया बेटा इंसॉल्वेंट, बैंक करप्ट हो गया बेटा। भगवान ना करे, मेरा भी अकाउंट इसी में है, भगवान ना करे बच्चे एसबीआई बैंक करप्ट हो गया, बच्चे सब लोग टचवुड कर देना, भगवान ना करे एसबीआई बेटा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, बैंक करप्ट हो गया। सुनना ध्यान से, कब हुआ ये बेटा बैंक करप्ट, ये बैंक करप्ट हुआ है समवेयर बिटवीन आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक, मतलब 1 जनवरी 2019, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट, यानी समवेयर ये बैंक इंसॉल्वेंट हुआ है 1 जनवरी से लेके 15 फेब के बीच में, समवेयर यहां पर बेटा इंसॉल्वेंट हुआ। अब सोचो बेटा, बैंक ही जब इंसॉल्वेंट हो गया तो एक बात तो पक्की हो गई ना, बी का चेक ऑनर तो नहीं होता, बी का चेक डिसऑनर हो गया बेटा। भाई जब बैंक ही इंसॉल्वेंट हो गया तो बात ही खत्म बेटा, बात ही खत्म, बी का चेक क्या हो गया बेटे, डिसऑनर हो गया। तो बी तो क्या क्या, बी तो गया बेटा ए के पास, बी ने कहा भैया तूने जिस बैंक का मेरे को चेक दिया था वो तो हो गया इंसॉल्वेंट, मेरा पैसा निकाल 1 लाख रुपए। भाई बी ने क्या कहा ए को, बी ने ए को कहा भाई तूने मुझे एसबीआई का चेक दिया था लेकिन तेरा एसबीआई तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसका तो दिवालिया निकल गया, पैसा निकाल मेरा। भाई ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है ओ भाई मुझे मेरा पैसा भी तो डूब गया, मुझे भी तो नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है मुझे भी, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया, मेरे खाते में 5 लाख रुपए था, मेरे को भी तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैं अब आपसे ये डिस्कशन करना चाहता हूं कि बी को जो नुकसान हुआ है 1 लाख रुपए, क्या बी उसकी भरपाई ए से करवा सकता है या नहीं। बात समझ आई बेटा सबको, पूरा केस कॉपी करो, मैं आपको फिर बताता हूं। अब बेटा एक काम करो, मेरे साथ साथ ना जरा रीडिंग मारो, आपको समझ आएगा बेटा, रिलेट करना। द ड्रॉअर हैज सफिशियंट बैलेंस व्हेन ही इश्यूज द चेक। पहले बताओ ड्रॉअर कौन, ए, ए के अकाउंट में बताओ जिस दिन उसने चेक इश्यू करा सफिशियंट बैलेंस था या नहीं, था बेटा 5 लाख रुपए का बैलेंस था, जबकि चेक कितने का था 1 लाख रुपए का, तो सफिशियंट बैलेंस था उसके अकाउंट में। एंड व्हेन द चेक ऑट टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
द होल्डर फेल्स टू प्रेजेंट द चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इश्यू ऑफ चेक. बेटा अब होल्डर जो था बी, उसने चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं करा विद इन अ रीजनेबल टाइम. हमारे वाले केस में बेटा उसने चेक को प्रेजेंट कितने टाइम बाद किया बेटा, डेढ़ महीने बाद उसने चेक को प्रेजेंट किया, जिसे बेटा रीजनेबल टाइम नहीं माना जा सकता. भाई दो तीन चार दिन रीजनेबल टाइम हो सकता है, डेढ़ महीना कैसे लग सकता है आपको चेक को प्रेजेंट करने में. तो बात समझो, पहला जिस दिन ए ने ड्रॉअर ने चेक इश्यू करा था उसके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस था. दूसरा बी ने ड्रॉ पे ने उस चेक को प्रेजेंट नहीं करा विद इन अ रीजनेबल टाइम, दूसरी शर्त. तीसरी मीन वाइल आफ्टर द इश्यू ऑफ चेक बट बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ चेक बाय द होल्डर बैंक फेल्स. मतलब इश्यू करने के बाद और प्रेजेंटमेंट से पहले बैंक फेल्स. बैंक फेल्स मतलब बैंक हो गया इंसॉल्वेंट, और उसके इंसॉल्वेंट होने की वजह से ड्रॉअर को भी क्या हुए हैं बेटा, डैमेजेस. नहीं हुआ बेटा ए को नुकसान 5 लाख रुपए का. तो बेटा उन्होंने कहा, सुनो अब मेरी बात जरा, शर्तें देखना बेटा, शर्तें चार शर्तें हैं बेटे. पहला जिस दिन ड्रॉअर ने चेक इश्यू करा क्या उसके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस था, यस. दूसरा क्या पेई ने होल्डर ने चेक को विद इन अ रीजनेबल टाइम प्रेजेंट किया, द आंसर इज नो. उसने डेढ़ महीने बाद प्रेजेंट किया जिसे रीजनेबल टाइम माना नहीं जा सकता. सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड. थर्ड बैंक क्या हो गया इंसॉल्वेंट, कब, इश्यू ऑफ चेक के बाद बट प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक से पहले. और चौथा बैंक के इंसॉल्वेंट होने की वजह से ड्रॉअर को भी क्या हुए हैं बेटा, डैमेजेस हुए हैं. अगर बेटा ये चारों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं, अगर चारों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो ड्रॉअर बेटा ड्रॉई के नुकसान के लिए लायबल नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ड्रॉअर को खुद अच्छा खासा नुकसान बैंक के इंसॉल्वेंट होने की वजह से हुआ है. तो बेटा कितनी शर्तें बताई मैंने, चार. कौन कौन सी चार है मेरी बात सुनो. पहला क्या उसके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस था जिस दिन उसने चेक इश्यू करा, यस. क्या चेक रीजनेबल टाइम में डिपॉजिट हुआ, आंसर इज नो. डेढ़ महीने बाद डिपॉजिट हुआ जिसे रीजनेबल टाइम माना नहीं जा सकता. तीसरा बैंक क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, कब, इश्यू के बाद और प्रेजेंटमेंट से पहले. और चौथा बैंक के इंसॉल्वेंट होने की वजह से ड्रॉअर को भी क्या हुआ है, नुकसान, 5 लाख का नुकसान हुआ. तो बेटा बी कैन नॉट होल्ड ए लायबल फॉर ₹1 लाख, क्योंकि ए को खुद नुकसान हुआ है बेटा. बी को तो 1 लाख का नुकसान हुआ बेटा, ए को तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है. किसके इंसॉल्वेंट होने की वजह से, बैंक के इंसॉल्वेंट होने की वजह से. तो बेटा कायदे में देखा जाए ना तो गलती बी की थी. उसने चेक को क्यों इतनी लेट जाके प्रेजेंट करा, डेढ़ महीने बाद क्यों प्रेजेंट किया, जब उसे चेक 1 तारीख को दे दिया गया था तो उसे 2-3-4 दिनों में प्रेजेंट कर देना चाहिए था. बी ने लेट प्रेजेंट किया, तो गलती बेटा किसकी मानी गई है, बी की मानी गई है. वो ए को लायबल नहीं ठहरा सकता. ए तो खुद बेटा 5 लाख रुपए का नुकसान देके बैठा है. लो बेटा कॉपी करो इसे. करें बेटा आगे, चलो बेटा इस पे कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है इस पे. चलो आ जाओ जरा कुछ छोटी छोटी बातें बेटा और करेंगे. लायबिलिटी ऑफ पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बेटा आपने देखा है ना काफ़ी सारी पार्टीज होती हैं बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. ड्रॉअर होता है, ड्रॉई यानी आपका एक्सेप्टर, ड्रॉई को आप एक्सेप्टर भी कहते हो, वो होता है. एंडोर्सर होता है, एंडोर्सी होता है. तो हमें इन सब की क्या लायबिलिटीज हैं वो डिस्कस करनी है बच्चे. बेटा सीधे इस पे आओ, लायबिलिटी ऑफ एजेंट साइनिंग सेक्शन 28. सुनना बेटा बहुत सिंपल बातें हैं. एन एजेंट हु साइंस हिज नेम ऑन अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विदाउट इंडिकेटिंग देयर ऑन दैट ही साइंस एज अ एजेंट और दैट ही डज नॉट इंटेंड देयर बाय टू इंकर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लायबल पर्सनली ऑन द इंस्ट्रूमेंट. बेटा उन्होंने क्या कहा, सुनो सुनो ध्यान से मैं जो बोलूंगा. उन्होंने कहा अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट प्रॉमिसरी नोट में या बिल ऑफ एक्सचेंज में या चेक में साइन करता है
और वो ये नहीं बताता है कि वो ये साइन कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, वो ये साइन कर रहा है उसके साइन के लिए उसे पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए, ये बात वो स्पेसिफाई नहीं करता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एजेंट बिल ऑफ एक्सचेंज पे, प्रॉमिसरी नोट पे, चेक पे साइन कर रहा है, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, लेकिन वो ये बात डिस्क्लोज नहीं करता है, स्पेसिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए एजेंट को बेटा पर्सनली लायबल माना जाएगा। ठीक है, तो बेटा एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक साइन कर रहा है तो स्पेसिफाई कर दे कि आई एम साइनिंग दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, मेरी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, मैं तो बस एजेंट होने का फर्ज निभा रहा हूँ, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल की बनती है। ये अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है तो बेटा उसे पर्सनली लायबल माना जाएगा। एक्सेप्ट टू दोज हु इंड्यूस्ड हिम टू साइन अपॉन द बिलीव दैट प्रिंसिपल ओनली वुड बी हेल्ड लायबल। सुनो बेटा, हां एक एक्सेप्शन दे रखा है बेटा, एक एक्सेप्शन दे रखा है, अगर बेटा जिसने उससे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जिसने साइन करवाया है ना उससे, वो अगर एजेंट को यह विश्वास दिलाता है कि भैया तेरी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, प्रिंसिपल की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर जिसने साइन करवाया है एजेंट से वो अगर ये कह देता है, वो अगर ये विश्वास एजेंट को दिलवा देता है कि भैया तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिक्र मत कर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उस केस में बेटा उसको पर्सनली लायबल ठहराया नहीं जाएगा, नहीं तो ही विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। अच्छा, अगला, लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइनिंग। सुनो, अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन हु साइंस हिज नेम ऑन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज लायबल पर्सनली देयर ऑन अनलेस ही एक्सप्रेसली लिमिट्स हिज लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ असेट्स रिसीव्ड बाय हिम एज सच। सुनो बेटा, अगर कोई डिसीज्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, प्रॉमिसरी नोट पे, चेक पे ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन, तो बेटा याद रखना उसे पर्सनली लायबल माना जाएगा। अब मेन बात आती है बेटा, कितनी अमाउंट के लिए। सुनो, जितना अमाउंट बेटा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन्ड होगा ना, जितना अमाउंट, पूरे के लिए लायबल होगा, अनटिल और अनलेस वो ये कह दे कि मेरी लायबिलिटी डिसीज्ड पर्सन से जो एस्टेट मुझे मिला है ना, अब इमेजिन करो बेटा, डिसीज्ड पर्सन से एस्टेट तो मुझे मिला 50 लाख का, तो बेटा मैं 1 करोड़ रुपए के लिए कैसे लायबल हो सकता हूं, बात समझो ना। मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अमाउंट लिखा 1 करोड़ और साइन कर दिया, तो बेटा एक बात बताओ, मुझे मरे हुए जो व्यक्ति है उसके एस्टेट से बेटा मिला कितना, 50 लाख, तो बेटा मैं 1 करोड़ रुपए के लिए लायबल कैसे हो सकता हूं। तो सुनो, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये बात मेंशन कर दे कि मैं पूरे के लिए लायबल नहीं होऊंगा, मैं मैक्सिमम उतने रुपए के लिए लायबल होऊंगा जितने का एस्टेट जितने की प्रॉपर्टी मैं डिसीज्ड पर्सन से क्या करूंगा, इनहेरिट, तो जितनी प्रॉपर्टी मुझे उससे मिलेगी ना, उससे ज्यादा के लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। अगर वो ये बात स्पेसिफाई कर देता है तो उसकी लायबिलिटी मैक्सिमम उतने तक की ही होगी, ठीक है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है तो वो पूरे अमाउंट के लिए बेटा क्या होगा, लायबल होगा। अच्छा, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉअर, द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर बाय ड्रॉई टू कंपनसेट द होल्डर प्रोवाइडेड ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज बीन गिवन टू द ड्रॉअर। तो ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो, ए ने बी के ऊपर बेटा चेक ड्रॉ करा, बी ने एक्सेप्ट करा, वापस ए को लौटाया, ए ने वो चेक एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ सी। अब बताओ होल्डर कौन है, सी है होल्डर, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स सी है होल्डर। अब सी बताओ बेटा ड्यू डेट वाले दिन पैसा मांगने किसके पास जाएगा, बी के पास। अब सोचो, अगर बी ने उसे पैसा दे दिया तो वेल एंड गुड, अगर बी ने उसे पैसा नहीं दिया
बी कौन था बेटा? ड्रॉई। अगर ड्रॉई ने उसको पैसा नहीं दिया तो बिल क्या हो जाएगा बेटा? डिसऑनर। तो सी पैसा मांगने किसके पास आएगा? उसके पास आएगा जिसके पास से वो बिल आया था, और बिल आया किसके पास से था? ए के पास से। तो ए कौन है? ड्रॉर। ड्रॉर का ये फर्ज बनता है कि वो होल्डर को कॉम्पनसेशन दे। ड्रॉर का ये फर्ज बनता है कि वो होल्डर को कॉम्पनसेशन दे इन इवेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय ड्रॉई। तो अगर ड्रॉई ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर कर दिया है तो ड्रॉर का यह फर्ज बनता है कि वो होल्डर को क्या दे बेटा? कॉम्पनसेशन दे, पैसा दे उसका। अच्छा, ये तो लायबिलिटी होगी ड्रॉर की। अब बात करें लायबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल। मतलब बिल और चेक के केस में तो आप ड्रॉई कह सकते हो, और प्रॉमिसरी नोट के केस में आप मेकर कह सकते हो। तो बेटा ड्रॉई की लायबिलिटी क्या होगी? इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड एक्सेप्टर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑफ एट मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द एपरेंट टेनर ऑफ द नोट और एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली, एंड द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट और आफ्टर मैच्योरिटी इज बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑफ टू द होल्डर ऑन डिमांड। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ बेटा मेकर की या ड्रॉई की बेटा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैच्योरिटी डेट वाले दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा पे करे? किसको बेटा? होल्डर को। तो हमारे केस में बेटा जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ड्रॉई कौन था बेटा? बी। तो बी का क्या फर्ज बनता है बेटा कि वो मैच्योरिटी डेट वाले दिन उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा शांति से किसको पे कर दे? सी को पे कर दे। अच्छा, इन द डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट सच मेकर और एक्सेप्टर इज बाउंड टू कंपनसेट एनी पार्टी टू द नोट और बिल फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन बाय एंड कॉज बाय सच डिफॉल्ट। अब सुनो बेटा, सुनना बेटा मेरी बात। बेटा ए ने चेक बी के ऊपर ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करा, वापस ए को दे दिया, ए ने एंडोर्स कर दिया सी को। अब बेटा ड्यू डेट वाले दिन बताओ बी के पास पैसा मांगने कौन जाएगा? सी। सी पैसा मांगने गया बेटा बी के पास, बी ने पैसा देने से कर दिया मना, बिल क्या हो गया बेटा? डिसऑनर। और आपको अच्छी तरह पता है बेटा बिल अगर डिसऑनर होगा तो आपको देने पड़ते हैं बेटा, सी को देने पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस। तो 1,00,000 रुपए का बिल था बेटा, 1,000 रुपए के एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1,000 रुपए के क्या पड़ गए? नोटिंग चार्जेस। मतलब बेटा खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आना, आना था 1,00,000, आया तो कुछ नहीं, उल्टा जेब से चला गया 1,000 रुपए। तो बेटा सी क्या करेगा? पैसा मांगने आएगा ए के पास, और बताओ कि कितना पैसा मांगने आएगा वो ए के पास? वो ए से कहेगा तूने मुझे बिल दिया 1,00,000 रुपए का, आया तो कुछ नहीं, उल्टा जेब से चला गया 1,000 रुपए, तो अब तू मुझे 1,00,000 प्लस 1,000 रुपए जो मैंने नोटिंग चार्जेस के दिए हैं तेरी वजह से, तो वो मुझे देगा। यानी ए सी को कितने रुपए देने के लिए लायबल है? 1,01,000। लेकिन बेटा याद रखना, वो ये जो 1,000 रुपए दे रहा है ना अपनी जेब से, ये बेटा वो रीइंबर्समेंट लेगा ये किससे? ड्रॉई से, क्योंकि डिसऑनर ड्रॉर की वजह से थोड़ी ना हुआ था, डिसऑनर तो ड्रॉई की वजह से हुआ था। तो ड्रॉई की वजह से ड्रॉर ने अपनी जेब से 1,000 रुपए के नोटिंग चार्जेस दिए। तो बेटा ड्रॉई का ये फर्ज बनता है, उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि वो 1,00,000 रुपए तो ए को दे ही दे, प्लस 1,000 रुपए का जो नुकसान उसकी वजह से ए को हुआ है उसकी भी भरपाई करे। मतलब बी की लायबिलिटी 1,00,000 की नहीं, 1,01,000 रुपए की होगी। बच्चे पढ़ा हुआ है बेटा ये सब, आपने समझ आया बेटा पूरा केस? फिर लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, हूएवर एंडोर्सेज एंड डिलीवर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी विदाउट इन सच एंडोर्समेंट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडिंग और मेकिंग कंडीशनिंग हिज ओन लायबिलिटी इज बाउंड देयर बाय टू एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई एक्सेप्टर और मेकर टू कंपनसेट सच होल्डर फॉर एनी लॉस और डैमेज। कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल बात है। अभी बताओ बेटा, अभी बताओ मेरे वाले केस में एंडोर्सर कौन था? ए। ए ने एंडोर्स किया था इन फेवर ऑफ सी, तो ए एंडोर्सर और सी कौन? एंडोर्सी। अब बताओ बेटा एंडोर्सर की लायबिलिटी क्या होगी? पहली बात,
एंडोर्सर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी तो बेटा ड्रॉई की है, मतलब बी अगर सी को पैसा दे देता है तो बात खत्म, लेकिन अगर बी सी को पैसा नहीं देता है तो उस केस में सी ए को एंडोर्सर को लायबल ठहरा सकता है। मतलब ए बेटा जो एंडोर्सर है वो बच्चे पहली बात तो उसकी सेकेंडरी लायबिलिटी है, दूसरी बात उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो अराइज करती है ऑन फेलियर ऑफ ड्रॉई टू पे द अमाउंट। याद रखना एंडोर्सर की लायबिलिटी, ए की लायबिलिटी अराइज तभी करेगी जब बी पैसा पे नहीं करेगा एंडोर्सी को। पक्का बेटा क्लियर? तो याद रखना अगर बी ने सी को पैसा पे नहीं करा तो सी बेटा पैसे के लिए किसको लायबल ठहरा सकता है? एंडोर्सर को लायबल ठहरा सकता है। कितने रुपए के लिए? 1,00,000 तो बिल का प्लस 1,000 रुपए नोटिंग चार्जेस के। मतलब ए कितने रुपए बेटा सी को देने के लिए लायबल होगा? 1,01,000 अनटिल और अनलेस सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट का केस है बेटा। याद है कुछ सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट? उसमें बेटा एंडोर्सर साफ साफ एक बात लिख देता है कि मुझे लायबल ना ठहराया जाए, मतलब ड्रॉई ने पैसा दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। दिस इज नोन एज सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। तो हां अगर तो सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट है तो बेटा ए की लायबिलिटी नहीं बनती, और अगर सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट नहीं है तो ए बेटा 1,00,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए के नोटिंग चार्जेस के लिए लायबल होगा। समझ आ रहा है? लायबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो ये तो बेटा बार बार कर चुके हैं। एवरी प्रायर पार्टी इज लायबल टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड। बेटा हर प्रायर पार्टी, मेरी बात सुनो, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, बी ने एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दिया, ए ने सी को एंडोर्स करा, सी ने डी को करा, डी ने ई को करा, ई है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो बेटा हर प्रायर पार्टी मतलब ई के लिए बेटा, ई के पॉइंट ऑफ व्यू से डी भी लायबल होगा, सी भी लायबल होगा, बी भी लायबल होगा, ए भी लायबल होगा। तो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए, उसके तरफ बेटा हर प्रायर पार्टी क्या होती है? लायबल होती है। अच्छा ये दो पॉइंट बेटा थोड़े से समझने वाले हैं, मतलब उतना मुश्किल नहीं है, देखना बेटा। प्रायर पार्टी अ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। बेटा मैं आपको ना थोड़ा सा केस समझाता हूं। ये हेडिंग लिखना, प्रायर पार्टी अ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। प्रायर पार्टी अ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। देखना बेटा बेटा ए ने बिल ड्रॉ करा बी के ऊपर, ठीक है, बी ने बच्चे एक्सेप्ट करा, वापस कर दिया ए को, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, सुना, अब हुआ क्या, ए ने वो बिल बेटा सी को एंडोर्स कर दिया, ए ने बिल सी को एंडोर्स कर दिया बेटा, सी ने आगे डी को एंडोर्स कर दिया, डी ने आगे ई को एंडोर्स कर दिया। पॉइंट क्लियर हुआ? सुनना ध्यान से। तो बेटा इस वक्त बताओ बिल किसके पास है? ई के पास ना, तो ई हमारा क्या है बेटे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ई हमारा है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। अब बताओ बेटा ई पैसा मांगने बच्चे किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम ना बी को ई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं बेटा प्रिंसिपल डेटर। हम बी को
ई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर मतलब जिससे हमें पैसा लेना है, जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है पैसा देने की। तो बेटा याद रखना, प्राइमरी लायबिलिटी ई को पैसा देने की किसकी है, बी की। तो बेटा बी ई के लिए कहलाएगा प्रिंसिपल डेटर। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, तो ई के पॉइंट ऑफ व्यू से बी होगा प्रिंसिपल डेटर। अच्छा एक बार बताओ बेटा, बी अगर पैसा दे देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ई पैसा किस किस से ले सकता है? डी से भी ले सकता है, सी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, हर प्रायर पार्टी से ले सकता है बेटा, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। बात समझो, अब सुनो जो मैं कह रहा हूं। तो बेटा हम ना ए सी और डी को श्योरिटीज कहते हैं, मतलब इनकी लायबिलिटी अराइज तभी करती है जब प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं पे करेगा। तो बेटा प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, और श्योरिटीज की लायबिलिटी बेटा सेकेंडरी होती है। तो इनकी लायबिलिटी अराइज तभी करती है जब प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता है। बात बताओ बेटा, समझ आया सबको? पक्का क्लियर हुआ? अच्छा अब मैं आपसे एक बात करूंगा बेटा। चलो मुझे यह समझ आया कि ए सी और डी तीनों क्या हो गए, श्योरिटीज हो गए। मतलब अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो पैसा ए सी डी से लिया जा सकता है। अब मुझे एक बात जाननी है, इन तीनों में, ए सी और डी में, इन तीनों में बेटा प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? मतलब इन तीनों में से पहले कौन लायबल, डी सी या ए? तो बेटा प्राइमरी लायबिलिटी सबसे पहले ये चेन में बेटा सबसे ऊपर था ये, फिर ये, और फिर ये। यानी बेटा पहला नंबर तो हमेशा बेटा प्रिंसिपल डेटर का ही होगा, बी का, ठीक है। हां अगर बी पैसा नहीं देता है तो पहला नंबर, बी के बाद पहला नंबर किसका, ए का, सी का, डी का। मैं अभी बेटा समझाता हूं अभी। अब बेटा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मेरी बात सुनना बेटा। उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा सब्सीक्वेंट पार्टी के लिए, ध्यान से सुनना, सब्सीक्वेंट पार्टी के लिए प्रायर पार्टी इज अ प्रिंसिपल डेटर। ये तो कंफ्यूजिंग हो गया सर। सब्सीक्वेंट पार्टी के लिए प्रायर पार्टी इज अ प्रिंसिपल डेटर। अब ये देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये बताना जरा, ए और सी में, सुनो ए और सी देखो बेटा, ए और सी में बताना मेरे को, ए के बाद सब्सीक्वेंट पार्टी कौन सी है, सी, ठीक है। तो सब्सीक्वेंट पार्टी के लिए मतलब सी के लिए प्रायर पार्टी कौन है, ए, प्रिंसिपल डेटर है। तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ए प्रिंसिपल डेटर है, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सी प्रिंसिपल डेटर है। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? सब्सीक्वेंट पार्टी के लिए बेटा प्रायर पार्टी इज अ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। मतलब बेटा सी के लिए देखोगे तो ए इज प्रिंसिपल डेटर, सब्सीक्वेंट पार्टी सी है ना, तो उसकी प्रायर पार्टी कौन है, ए, तो ए क्या है बेटा, प्रिंसिपल डेटर। तो आप कहोगे ए इज अ प्रिंसिपल डेटर फॉर सी, ठीक है। अच्छा अब बताओ सी के लिए बेटा, सी की सब्सीक्वेंट पार्टी कौन है, डी, तो डी के लिए सी इज प्रिंसिपल डेटर, तो सी इज प्रिंसिपल डेटर फॉर डी। बात बेटा बताओ समझ आया, पक्का? इसका मतलब बेटा क्या समझ आता है आपको, सी के लिए प्रिंसिपल डेटर ए, डी के लिए प्रिंसिपल डेटर सी। सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा बेटा, बी, ध्यान से सुनना,
ई पैसा मांगने गया बी के पास, ठीक है, बी ने तो पैसा नहीं दिया, तो अब बेटा पैसा ई मांगने किसके पास जाएगा, ए सी या डी के पास। सुनो, उसके उसको बिल किसने दिया था, डी ने, तो वो गया डी के पास। डी कहेगा मेरे पास नहीं, मेरे प्रिंसिपल डेटर के पास जा। भाई प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की होती है, तो मेरे पास क्या करने आया, मेरे प्रिंसिपल डेटर के पास जा, और उसका प्रिंसिपल डेटर कौन है, सी है, तो वो गया सी के पास। सी कह रहा है मेरे पास क्या करने आया है, मेरे प्रिंसिपल डेटर के पास जा, बात समझ रहे हो सब, और सी का प्रिंसिपल डेटर कौन है, ए। इसका मतलब बेटा एक बात समझ आई, ई सबसे पहले किसको लायबल ठहराएगा, बी को, अगर बी नहीं देता तो ए, ए नहीं देता तो सी, सी नहीं देता तो डी। मतलब बेटा सीक्वेंस समझो, सबसे पहले बी होगा लायबल, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो ई गया डी के पास पैसा मांगने, डी कह रहा है मेरे पास क्या करने आया है, मैं तो श्योरिटी हूं, मैं तो श्योरिटी हूं, मेरे प्रिंसिपल डेटर के पास जा, तो प्रिंसिपल डेटर मेरा कौन है, सी, वो गया सी के पास। सी कह रहा है अरे मेरे पास क्या करने आया है, मैं तो श्योरिटी हूं, मेरे प्रिंसिपल डेटर के पास जा, यानी कौन, ए। तो बेटा लायबल कौन होगा, ए पहले लायबल होगा, फिर सी, फिर डी। पक्का बताओ क्लियर हुआ बेटा, तो आप ना समझ आ रहा है बेटा, तो याद रखना बेटा हर सबसीक्वेंट पार्टी के लिए प्रायर पार्टी इज अ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, और आप एक बात और कह सकते हो, हर प्रायर पार्टी के लिए सबसीक्वेंट पार्टी इज अ श्योरिटी। नहीं समझ आया बेटा, हर प्रायर पार्टी के लिए सबसीक्वेंट पार्टी श्योरिटी बन जाती है, सबसीक्वेंट पार्टी के लिए प्रायर पार्टी प्रिंसिपल डेटर बन जाता है। तो मुझे बताओ सी डी का, दो मिनट बेटा, मेरे को बताओ ए सी का क्या है प्रिंसिपल डेटर, तो सी ए का क्या होगा, श्योरिटी, श्योरिटी ऑफ ए, ठीक है। अच्छा अब बताओ बेटा सी डी का क्या है प्रिंसिपल डेटर, तो डी कौन होगा, डी होगा श्योरिटी ऑफ सी। बात बेटा जो मैं कह रहा हूं वो समझ आ रही है सबको, तो हर सबसीक्वेंट पार्टी के लिए जो प्रायर पार्टी होती है वो प्रिंसिपल डेटर है, तो हर प्रायर पार्टी के लिए सबसीक्वेंट पार्टी इज अ श्योरिटी। मेरे को बताओ समझ आया, तो ई सबसे पहले पैसा मांगने बी के पास जाएगा, बी ने नहीं दिया तो वैसे किसके पास जाएगा, डी के पास। डी क्या कहेगा, मैं तो श्योरिटी हूं सी का, सी के पास जा, सी के पास गया। सी ने कहा मैं तो ए का श्योरिटी हूं, ए के पास जा, तो ए पहले लायबल होगा, फिर सी, फिर डी। पक्का बताओ बात समझ आई बेटा, तो अब हेडिंग पढ़ोगे ना तो अब दिक्कत नहीं आएगी बच्चे, प्रायर पार्टी अ प्रिंसिपल, अ प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल डेटर, प्रायर पार्टी इज अ प्रिंसिपल डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सबसीक्वेंट पार्टी, तो हर सबसीक्वेंट पार्टी के लिए प्रायर पार्टी एक प्रिंसिपल डेटर है। बेटा केस समझ आया ये वाला केस सबको, कॉपी कर लो बच्चे। आगे चलें बेटा, देखो फिर आता है बच्चे डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लायबिलिटी। ये भी बेटा मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूं, सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लायबिलिटी। ये देखो बेटा एग्जांपल से समझो, बहुत सिंपल केस है। देखो ए और बी, बेटा ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ठीक है, बी ने बच्चे बिल को एक्सेप्ट किया, और वापस दे दिया ए को, ए ने बेटा वो बिल एंडोर्स किया सी को, ठीक है, सी ने बेटा आगे एंडोर्स किया डी को, डी ने बच्चे आगे एंडोर्स किया ई को,
पॉइंट समझ आया? अब बताओ जरा, एग्जाम्पल वही रखा है बेटा ऊपर वाला। अब बताओ ई सबसे पहले पैसा मांगने बेटा किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। तो बी की तो प्राइमरी लाइबिलिटी है ना, बी की तो प्राइमरी लाइबिलिटी है, वो तो प्रिंसिपल डेटर है, प्राइमरी लाइबिलिटी। सपोज बेटा अज्यूम करो बी ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो ई अब क्या करेगा बेटा? अब सुनना बेटा, ई पैसा किससे ले सकता था? ए सी और डी से ले सकता था। अब सुनो, ई ने क्या करा, ई ने ना ए को उसकी लायबिलिटी से रिलीव कर दिया। ए हैज डिस्चार्ज्ड एज लायबिलिटी। ए ने कहा, ई ने कहा तू पैसा मत दे मेरे को, कोई बात नहीं, मैं सी से ले लूंगा। ई ने सी को भी रिलीव कर दिया, तू पैसा मत दे मेरे को, मैं डी से ले लूंगा, ठीक है। तो बेटा अल्टीमेटली सारी लायबिलिटी किसके ऊपर पड़ गई बेटा? डी के ऊपर पड़ गई। लेकिन कायदे में देखा जाए तो बेटा डी की लायबिलिटी तब आती जब ए मना करता और सी मना करता, लेकिन आपने क्या करा, इस होल्डर ने क्या करा बेटा, बात समझो ना, इस होल्डर ने क्या करा, इस होल्डर ने ए को आजाद कर दिया उसकी लायबिलिटी से, सी को मुक्त कर दिया बेटा उसकी लायबिलिटी से, और कहा मैं डी से पैसा ले लूंगा। जबकि बेटा डी का तो नंबर तीसरे नंबर पे था भाई, पहले ए से मांगा जाता, ए ना देता तो सी से, सी ना देता तो डी का नंबर आता, लेकिन आपने तो ए और सी को रिलीव कर दिया उनकी लायबिलिटी से, यानी जो पैसा मेरे को वैसे बाद में देना था वो पैसा मुझे पहले देना पड़ेगा आपको, बात समझ आई? तो बेटा ऐसे केस में लॉ ने क्या कहा, अगर होल्डर प्रायर पार्टीज को रिलीव कर देता है ना उनकी लायबिलिटीज से, तो जो एंडोर्सर होता है, यही तो एंडोर्सर है ना, जिसने ई को एंडोर्स किया है, यही तो एंडोर्सर है। अगर होल्डर प्रायर पार्टीज को रिलीव कर देता है फ्रॉम देयर लायबिलिटीज, तो एंडोर्सर की लायबिलिटी भी बेटा क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, एंडोर्सर को भी लायबल नहीं ठहराया जा सकता है बेटा। वो तो श्योरिटी था सी का, सी श्योरिटी था किसका, ए का, तो कायदे में ए से मांगा जाता फिर सी से, फिर जाके कहीं डी का नंबर आता, लेकिन आपने क्या करा, ए को भी आजाद कर दिया, सी को भी आजाद कर दिया, ये कह के कि मैं डी से पैसा ले लूंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर उन दोनों को डिस्चार्ज किया है तो लॉ कहता है तू भी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया लायबिलिटी से, तुझे भी ई का पैसा देने की जरूरत नहीं है। बेटा बताओ, बात समझ आई? ये है बेटा एंडोर्सर का राइट, ठीक है। तो हेडिंग बेटा यही है ना, डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लायबिलिटी। तो याद रखना, अगर होल्डर ने प्रायर पार्टीज को उनकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया है, तो एंडोर्सर अपनी लायबिलिटी से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और लास्ट आता है बेटा एक्सेप्टर बाउंड although endorsement is forged। तो बेटा याद रखना, although endorsement forged है, फिर भी बेटा ड्रॉई जो है वो endorsee को पैसा देने के लिए क्या होगा बेटा, liable होगा। तो पढ़ो, an acceptor of a bill of exchange, मतलब ड्रॉई, already endorsed is not relieved from liability by reason that such endorsement is forged। तो although endorsement forged है, फिर भी ड्रॉई एंडोर्सी को पैसा देने के लिए क्या है, लायबल, ठीक है बच्चे। चलो बेटा इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे ख्याल से जितना हमने डिस्कशन आज किया क्लियर हुआ सबको, चल बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।